questo bella che छपाक का नाम मेरे आगे मत लीजिए मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं उन लोगों की पिक्चर देखना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ाएं, जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो, मैं उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहता। ये फिल्म छपाक, इसमें जो बेचारी लक्ष्मी अग्रवाल है उस पर जो तेजाब फेंकने वाला जो बंदा था वो नदीम खान था, और उसको हिंदू राजेश दिखाया गया। राजेश शर्मा तो बेचारा म्यूज़िक बना रहा है मुंबई में बैठ के, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो ये गलत दिखाया गया है। तो मैं छपाक को बायकॉट करता हूँ, छपाक का जिक्र मत कीजिए मेरे आगे। आज वर्क एंड मेघना गुलजार मैम्स वर्क, लाइक दे डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड देन द लास्ट सीन लाइक हिला के रख देगा। यू कैन इमेजिन ब्राइड विद अ ब्राइडल मेकअप, बट एक्सीडेंट अटैक, 252 अटैक्स इन अ ईयर, वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस, एंड लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। एज इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब लोगों को फील करवाना कि भाई एज एटैक के विक्टिम पे, हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट, और हम लोगों को फील हुआ, तो इट्स फैबुलस। या वी वेरी इमोशनल, वी गॉट इमोशनल, वी वर क्राइंग, आई वाज क्राइंग फ्रॉम स्टार्टिंग, लास्ट सीन तक। द लास्ट पार्ट, द लास्ट सीन, यू विल फील दैट द ब्राइड इज रेडी विद अ ब्राइडल मेकअप एंड यू आर हैविंग अ फेस, बचपन से आप देखते आ रहे हो सेम फेस, अचानक से एक दिन वो फेस खराब हो जाता है, हाफ सेकंड सब कुछ चेंज होता है। दैट फीलिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, का बात बोलते हैं, लगे आपको वर्थ है देखना। यस, या यस, वर्थ, इट्स वर्थ वाचिंग। आउट ऑफ 5 की तरह 5 आउट ऑफ 5। छपाक वाज गुड, इट वाज रियली नाइस, इट वाज ग्रिपिंग। नो आई डिडंट फील, मैंने मुझे रोना नहीं आया, मुझे सहानुभूति हुई सबके साथ जिनके साथ ये हो चुका है। अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे कैसा फील होता, अगर मेरी बहन के साथ होता, ये शायद हम लोग सोचते नहीं हैं, इसको एक फिल्म की तरह हम देख के चले जाते हैं, लेकिन वी शुड थिंक अबाउट इट। और यू नो, वुमेन सेफ्टी को और बढ़ावा देना चाहिए, लॉज को और स्ट्रिक्ट करनी चाहिए, और इस फिल्म के द्वारा इस बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक को अच्छे से उठाया गया। क्योंकि जब भी हम एसिड अटैक के सर्वाइवर को दिखाते हैं, सब ना सहानुभूति देते हैं उनको, और अरे बेचारे, नहीं यार, मतलब बेचारे हम हैं कि हम, हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कोई भी। आर यू सेफ? क्या पता किसके पॉकेट में एसिड हो, क्या पता कुछ भी हो, कोई ऐसे दिमाग ख़राब है, अरे फेंक, क्या पता कोई लड़की फेंक जाए, क्या कोई बुज़ुर्ग फेंक जाए, कुछ भी हो सकता है यार। सो ये सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल है। बैन, देखो बैन एसिड ऐसी चीज़ है जो कि बहुत यूजली यूज़ होती है, जिसकी खरीद है उसके ऊपर ट्रैक होना चाहिए कि किसने खरीदा, बिल होनी चाहिए ताकि पता चले किसने किस समय पे कहाँ पे खरीदा है, इतना तो कर ही सकते हो उसमें। क्या मूवी में मतलब कि जो मालती जी ने मतलब जो अटैक के लिए इतना केस वगैरह किया, तो वो उन्होंने इतना किया तो अब जाके वो 10 साल का उन्होंने वो किया। हाँ, लड़के का नाम राजेश दिया, जो नहीं जो अटैक कर उसके अंदर बब्बू दिया है नाम। हाँ, आई थिंक 5 out of 5 अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और मुझे तो ऐसा लगता है जो एसिड जिसने फेंक के इतनी ज़िंदगी बर्बाद की है, एसिड को बंद करवाया है, अच्छा है। और मैं तो बोलती हूँ उसको फांसी ही देना चाहिए, मुआवजा देने से ज़िंदगी भर का घाव नहीं भरता है और ना ही उसको शकल वो जख्म नहीं भरते। बहुत अच्छी है, दीपिका पादुकोण ने जैसे वो इसकी पहले मूवी आई थी एक उस टाइप की बनाई जाए, वो राजपूत पे बनी थी, वो भी मूवी अच्छी थी। और ये मूवी में जो लव जिहाद का थोड़ा बहुत रिलीजन पॉलिटिशियन लोग बता रहे थे, लव जिहाद का कोई ऐसा मैटर नहीं है, ठीक है, बट एक चीज़ दिखाया इसने कि मूवी में बहुत कुछ सीखने को मिली है, लोगों को पॉलिटिक्स पे इस पर मुद्दा उठा रहे हैं कि ये मुस्लिम है वो हिंदुत्व की लव जिहाद का मैटर जो उठा रहे थे, ऐसा कुछ। हाँ जी, दीपिका की एक्टिंग ज़बरदस्त एक्टिंग किया उसने इस मूवी में, जो लोगों को 4.5। सीरियसली, मतलब मैं लास्ट ईयर से ही बहुत एक्साइटेड था, जब से लुक रिलीज हुआ तब से, एंड आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ दीपिका, एंड ऑल्सो नाउ आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ मेघना। द चॉइसेस ऑफ मूवी शी हैज डन लाइक राजी,
तलवार एंड नाउ छपाक, मतलब बेस्ट पार्ट इन द मूवी लाइक जो उसका स्ट्रगल बताया गया है मालती का आफ्टर द अटैक, यस, हाउ शी फेस दैट अटैक एंड हाउ शी ओवरकम्स इट एंड हाउ शी सपोर्ट्स अदर विक्टिम्स टू, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट. एंड ऑल्सो विक्रांत मासी, ही इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्टर, लाइक बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने भी. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 5, 4.5. हाँ, स्टोरी तो बहुत बेहतर थी उसमें, अभी क्या बताया जाए, बहुत अच्छी स्टोरी लगी हम. सबसे अच्छा तो देखा जाए तो वो एसिड जब सीन आता है, वो एसिड वाला, क्योंकि वो जाती रहती है दीपिका पादुकोण तो उसको पता नहीं चलता है, तो अचानक से उसके चेहरे पे एसिड आ जाता है. तो कितना रेट देंगे? हाँ, रेट कितना देंगे? रेट कितना रेट देंगे? रेटिंग 70. कितना? 70. पाँच में से कितना है? एक दो तीन चार. अच्छा, चार. कैसी लगी आप? हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी, स्पेशली दीपिका का जो कैरेक्टर किया है उन्होंने, बहुत अच्छा था. लास्ट का उन्होंने जो कोर्ट में वो बोल रहे थे, लाइक उन्होंने जो पीछे का पूरा स्टोरी सुनाया, वो काफ़ी अच्छा था, वो बहुत अच्छा था. कोर्ट, मुझे लगता है वो लव का कुछ उसमें ज़रूरत नहीं थी, जो उन्होंने वो प्यार वाली जो भी थी उसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी, और अच्छा हो सकता था. बॉलीवुड है तो यार, ऑफकोर्स.